अपनी डीआर लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। लाइट के अंदर अपनी 130 वोल्ट की एलईडी रहने वाली है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 3000 रुपीज। 7500 वाली जो जीटी किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई। लाइटिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वाले व्हील कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये जो स्पॉइलर है वो दोस्तों ये अपना देखो व्हाइट कलर में है, और लाइट वाला जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। ये दो पीस आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। 4 पीस को जो है वो आप दरवाजों पर चेकआउट कर सकते हो। रियर पावर विंडोज जो है वो भी अपडेट करी गई। 10500 रुपये कॉस्टिंग में ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। तो इस तरह मोटर कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच, दोनों ही अपनी बेस रेंट प्योर रहने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जिसका काम जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए जा रहे हैं। सामने से अपडेट की बात कर लेते हैं तो फॉग लाइट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। मिंडा की फॉग लाइट है, मिंडा की रिले वायरिंग के साथ। हेडलाइट के अंदर 130 वोल्ट की अपनी एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा चुका है। पार्किंग बल्ब चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अभी जीटी किट वगैरह काम जो है इस वाली कार के अंदर बाकी है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो किए जा चुके हैं। तो अभी लोअर गार्निश जो है वो लगनी है। दो वाइजर जो है वो कंपनी से ही इंस्टॉल किए हुए हैं। व्हील कवर का जो अपडेट है वो किया जाना है। इसके अलावा रियर में आते हैं तो रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ रेल जो है वो रखी हुई है, गैलियो ब्रांड की अपनी रूफ रेल जो है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जाएगा। अंदर से बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस कार के इंटीरियर के अंदर रहने वाला है। तो स्पीकर वगैरह जो है वो पैक हो चुके हैं, दरवाजे जो है दोबारा से यहाँ पे पैक किए जा चुके हैं। इन्फिनिटी के अपने जो स्पीकर है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों दरवाजे आगे के भी और पीछे के भी जो है वो कम्प्लीटली पैक किए जा चुके हैं। पावर विंडोज का जो अपडेट है वो रहने वाला है। टाटा जर्मन रियर पावर विंडोज जो है वो लगने वाली है। म्यूजिक सिस्टम इस मॉडल के अंदर नहीं आता है, तो म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो भी इस वाली कार के अंदर किया जाएगा, जिसमें आपको फ्रंट और बैक कैमरे का सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। और फ्रंट कैमरा जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अभी इसकी प्लेसमेंट जो है वहां पे लगाई जानी है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का काम कंप्लीट हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। सीट कवर जो है वो लग चुके हैं। ये आप बेजल देख सकते हो, ये अपनी पावर विंडो का बेजल है जो कि बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता है। आगे की दो पावर विंडोज, चारों पावर विंडोज जो है वो सेटअप इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों गाड़ी के अंदर पैकिंग का काम जो है वो स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एम्बिएंट लाइट का जो काम है वो दरवाजों के अंदर कंप्लीट किया जा चुका है। अभी डैशबोर्ड पे लगना है, डैशबोर्ड के ऊपर काम जो है वो बाकी है। एम्बिएंट लाइट लगेगी, मिरर जो है उसको चेंज करने वाले हैं। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो लगेगा, IRVM डे नाइट वाला। इसके अलावा दोस्तों रियर में स्पॉइलर का जो अपडेट है वो रहने वाला है। शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना वो लगने वाला है। इस तरीके के काफी कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर बाकी है। तो दोस्तों फाइनली अपनी जो पंच है वो रेडी हो चुकी है, और सामने से आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। अपडेट की हम बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है। उसके ऊपर अपनी डीआर लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि डुअल टोन में वर्क करेगी। इसके अलावा हेडलाइट के अंदर अपनी 130 वोल्ट की एलईडी रहने वाली है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 3000 रुपीज की। डीआर की कॉस्टिंग आती है अपनी 800 रुपीज की। ग्लॉसी किट लगाई गई है, जिसका हेडलाइट वाला पोर्शन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे फॉग लाइट लगी है मिंडा की फॉग लाइट है, मिंडा की रिले है। प्रॉपर आप देख सकते हो कैसा कुछ सेटअप रहने वाला है। 2500 रुपए में जो है ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपनी जो जीटी किट है वो इंस्टॉल करी गई है, बट ये जो जीटी किट है ये अपने यहाँ पे एमटेक वाली नहीं है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमने कई सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है। 7500 रुपए वाली जो जीटी किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि फ्रंट व्यू आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट सेटअप रहने वाला है, चारों सराउंड में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पोर्शन यहाँ पे लग चुका है। साइड में आते हैं, क्लैडिंग वगैरह जो है वो आपको दिखा देते हो। साइड क्लैडिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और कस व्हाइट कलर की सेम वही कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगेन प्राइस 7500 रुपीज की कॉस्ट में जो है वो इंस्टॉल किया गया है। एक बार मैं आपको रियर में ले चलता हूँ, तो रियर में आप यहाँ पर देखोगे तो रियर में किट का पार्ट कुछ इस तरीके के साथ आपको देखने को मिल जाने वाला है। ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आपको व्हाइट इंसर्ट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं, एक आपको साइड प्रोफाइल दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले व्हील कवर्स, डुअल टोन वाले व्हील कवर्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। टाटा के लोगों के साथ ही रहने वाले हैं, इसको भी आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप ग्लॉसी किट की बात कर रहा था, 2000 रुपये कॉस्ट में ग्लॉसी किट लगाई गई, जिसमें अपनी हेडलाइट की कंप्लीट गार्निश ये रहने वाली है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर की जो गार्निश है वो रहने वाली है। हैंडल के ऊपर आप गार्निश चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। रियर डोर हैंडल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और अपनी रियर की टेल लाइट है उसके ऊपर गार्निश जो है वो लगाई गई है। टोटल 10 पीस की किट आती है, जिसमें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 5 पीस इस साइड में, 5 पीस आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रूफ रेल लगाई गई है गैलियो ब्रांड की, 2000 रुपीज की कॉस्टिंग के साथ में। एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है, शार्क फिन टाइप पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आप देखोगे रियर में अपना स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये जो स्पॉइलर है वो दोस्तों ये अपना देखो व्हाइट कलर में है, और लाइट वाला जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। इसमें जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो लाइट जो है वो भी अपनी ब्लिंक करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे लोअर गार्निश लगी है 6 पीस वाली,
फुल क्रोम में जो है ये रहने वाली है। आपके पास ऑप्शन में है कि अगर आप चाहो तो 8 पीस वाली भी लगवा सकते हो। आई पॉप वाले डोर एज गार्ड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, अभी इधर वाले पे लगना बाकी है, यहाँ पे लग चुका है, उस साइड में जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। नीचे आते हो डिगी पत्ती जो है वो इंस्टॉल करी गई है फुल क्रोम के साथ। फ्रंट बैक कैमरा जो है इस वाली कार में रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे रियर व्यू कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। किट का पार्ट हम दिखा चुके हैं और एक अपना रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर कैसे करेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे फर्स्ट पे, तो यहाँ पे जो है ये रनिंग कंडीशन में अपना आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट पहले स्कैन होगा, उसके बाद ये अपना नॉर्मल कंडीशन में रुक जाएगा। उसके बाद फिर जिस साइड का इंडिकेटर दोगे उस साइड का ये ब्लिंक करेगा, और ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक पर भी प्रॉपर ये वर्क करने वाला है। तो यही सब चीज़ें थी जो कि इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल के अंदर इंस्टॉल करी गई है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के इंटीरियर से और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे एम्बिएंट लाइट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि बेसिकली K3 है और अपने 6 पीस में रहने वाली है। 2 पीस आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, 4 पीस को जो है वो आप दरवाजों पर चेकआउट कर सकते हो। तो 6 पीस वाली अपनी एम्बिएंट लाइट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा पावर विंडोज़ के अंदर अपडेट किया गया है, चारों पावर विंडोज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 मिलती हैं, रियर पावर विंडोज़ जो है वो भी अपडेट करी गई है, जिसको आप जो है वो ड्राइवर साइड से ही ऑपरेट कर पाओगे। चाबी घुमा दें, अब यहाँ पे आप देखोगे तो विंडो डाउन हो रही है, ये अपना प्रॉपर वर्क करेगा, विंडो अप हो रही है ये प्रॉपर वर्क करेगा। 10,500 रुपये कॉस्टिंग में ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। स्पीकर वगैरह पैक हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी पंच की जो अपनी वेलकम प्लेट है वो भी इंस्टॉल करी हुई है। फ्लोर पर देखोगे तो अपने मैट जो है 70 वाले वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और रियर पोर्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सेंटर में कामनेस लगा है जो कि मल्टीपल पर्पज वाला है, और इसमें स्लाइडिंग वगैरह के सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं आप कई बार ही दिखा चुका हूँ। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर देखोगे सिंगल टोन रैप किया गया है कंप्लीट फुल ब्लैक के अंदर, और ये जो है अपना कंप्लीट रहने वाला है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि अपने टाटा जर्मन रहेंगे। 3500 रुपये कॉस्ट में जो है ये यहाँ पे लगाए गए हैं। सीट कवर्स की बात कर लेते हैं तो फुल बकेट अपने सीट कवर्स रहने वाले हैं। डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकते हो, 3D डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। 3D बर्फी पैटर्न जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप जो है कंप्लीट देख सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 5500 रुपये की। इस कॉस्टिंग में जो है इसको इंस्टॉल यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम के बात कर लेते हैं, सिस्टम कौन सा लगा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है, प्रॉपर ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो है सिस्टम लगाया गया है। टच का रिस्पॉन्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्विक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें भी आप देखोगे कई सारी एप्लीकेशन आपको प्रिंस्टॉल मिलने वाली है, लाइक क्रोम ब्राउजर है, गूगल है, और इसमें फ्रंट और बैक कैमरा जो है वो लगा है। तो फ्रंट कैमरा जो है उसका आउटपुट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये फ्रंट कैमरे का आउटपुट है, और ये रियर कैमरे का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वाइड एंगल जो व्यू है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले को जो है कनेक्ट कर सकते हो। 12,500 रुपये कॉस्ट में जो है ये सिस्टम यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अपना जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है उसमें अपडेट रहने वाला है। ये अपना लगा दिया गया है इनसाइड रियर व्यू मिरर, जो कि डे नाइट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे पार्क अपना जो बल्ब है कैबिन वाला वो चेंज किया जा चुका है। LED बल्ब जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है फिलिप की के साथ। कुछ इस तरीके से जो है इसकी फंक्शनलिटी जो है वो वर्क करती है। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी है। 3,500 रुपीज़ के अंदर ये अपनी सेंटर लॉकिंग लगाई गई है। साथ साथ फ्लिप की का जो कन्वर्जन है वो किया गया है। तो दोस्तों ये सारे कोई एक्सेसरीज थी जो कि इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं, और बजट की हम बात कर लेते हैं तो इस कार का कंप्लीट बजट रहा है 75,000 रुपीज़ का। तो अगर आपने भी अपनी पंच को मॉडिफाई कराएं तो अभी आप आ सकते हो डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।